गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 आई दीपावली। दीपावली शब्द का अर्थ है दीप प्लस अवली, अर्थात दीपकों की पंक्ति। दीपावली को दिवाली भी कहा जाता है। दिवाली हर साल बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है, मतलब हम लोग दीपावली को बहुत अच्छे से मनाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम लंका के दृष्ट राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ इसी दिन अयोध्या लौटे थे। मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि राम जी इस दिन घर लौटे थे सीता और लक्ष्मण के साथ। इसी खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाकर नगर में खूब रोशनी की। उसी दिन की याद में दीपावली मनाते। मतलब जो लोग घर में आए थे राम जी, तो सभी लोगों ने क्या किया था, घी के दीपक जलाकर सभी घरों में दीपक जलाए थे। उससे क्या हुआ, उस दिन को याद करते हुए दिवाली मनाई जाती है। दीपावली से एक दिन पहले होने वाली चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण की वीर पत्नी सत्यभामा ने अत्याचारी राजा नरकासुर को मारकर उसकी केस से 16,000 कन्याओं को छुड़ाया था। मतलब जो पहले दिन जो होती है दिवाली के पहले दिन नरक चतुर्दशी, इस दिन माना जाता है कि जो श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, इन्होंने क्या किया था, नरकासुर को मारकर उनके कैद में जो लड़कियाँ थी 16,000 कन्या उनको छुड़ाया था। दीपावली का त्यौहार वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली कब मनाई जाती है, कार्तिक अमावस्या को।